लपक मम्मा पे आनी फिर देख लेना मम्मा। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी कुछ सुबह के करीबन 9:30 बज रही है और आज का भी वेदर करीबन थोड़ी सी डल है। अभी तक तो धूप का कोई नामो निशान मुझे नहीं दिख रही है। तो जो भी हो, आज मैं बनी की अपडेट देने के लिए आई हूँ और फिलहाल मेरे साथ अभी सिम्बू है, क्योंकि वेदर सही ना होने के कारण ना, मतलब दो दिन से मैं बहुत टेंशन में थी कि मेरी बनी को क्या होगी क्या होगी। तो वो भी नीचे ही है और वो देखिए, वो कौआ फिर से आ गई। वो मुझसे बात करने के लिए डेली आते हैं, वो भी मुझे पहचान गई है। और अभी मैं आप लोगों को अपडेट देने वाली हूँ, ठीक है, मेरी बनी का अपडेट दूंगी। फिलहाल बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ और आप लोग भी टेंशन कर रहे होंगे, तो इस वजह से मुझे लगा चलो मैं आप लोगों को भी मैं क्यों ना थोड़ी सी वीडियो में बता दूँ कि बनी कैसी। अदरवाइज आप लोग भी इतना टेंशन कर रहे थे, इतना मुझे कमेंट कर रहे थे। तो ये रही मेरा सिम्बा, जो कि कल मैं उसको थोड़ा सा भी टाइम नहीं दे पाई। और ये कौआ ना मुझे कुछ बोलना चाहती है हमेशा। वो देखिए फिर से आ गई, देख रहे हो, वो मुझे ना कुछ बोलना चाहती है बट बोल नहीं पाती है। क्या हुआ? आए आ आ आ, रुकी मैं उसको नीचे उतार दी पहले। तो हाँ गाइस, जो मैं आप लोगों को बोल रही थी बनी का अपडेट, तो बनी बिल्कुल हेल्थ वाइज बिल्कुल ठीक है। उसका बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रही थी वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। वन सेकेंड, एने 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 एने, रुकिए वो मुझे कुछ मांग रही है, ये मैं दे देती हूँ। नहीं एने एने एने, आए आए ले ले, आए आए, ये कौआ के साथ ना मेरी कोई रिलेशन है शायद, पता नहीं। मतलब कोई कौआ ऐसा नहीं करती है कि मेरे पास नज़दीक में, जब भी छत में आती हूँ ना, वो मेरे बहुत नज़दीक आ जाती है और बार बार मेरी आसपास ही मंडराती रहती है, पता नहीं क्यों। देखिए अभी भी बैठ के मेरी बात ही सुन रही है। वो देखिए, देखिए आप लोग, वो बैठी हुई है। मतलब मैं छत में रहूँगी तो वो भी मेरे पास आ जाती है, पता नहीं क्यों। तो जो भी हो गाइस, मेन जो है मेरी बनी की बिहेवियर क्यों चेंज हो रही थी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बनी को लग रही थी डर और वो मैंने बहुत देर तक, मतलब पूरा दिन लगा दिया उसको नोटिस करने में और वो देखने के लिए कि बनी को हुआ क्या है। तो जब मैं फिर से नीचे के रूम में, ऊपर तो बिल्कुल छत में आप लोगों के सामने की, हाँ वो मुझे बात नहीं करने दे रही। क्या कहाँ कहाँ कहाँ, वो देखिए वो देखिए कहाँ दिखाऊँ वो रे। तो जो भी हो, वो मैं पूरा दिन उसको नोटिस की, छत में जितना टाइम थे ना वो बिल्कुल सही थे। मतलब खेल रहे थे आप, मतलब मैंगो की पत्ते भी, आम के पत्ते खा रहे थे, आप लोगों ने देखी। फिर मैं नीचे ले गई तो फिर वो ऐसे डरी हुई सहमे से कैसे हो गए थे, मुझे नहीं छोड़ रहे थे। तो मैंने सोचा नीचे के रूम में ऐसे वो क्यों करी है। फिर मैंने पूरा दिन उसको नोटिस किया, पूरा दिन मैंने नोटिस किया। फिर मैं देखी समझी कि बेड के नीचे जब भी वो जा रही है ना, बेड के नीचे की तरफ जब भी वो जा रही है तो वो कुछ डर रही है, सहमी सहमी सी है। फिर मैंने अच्छे से छानबीन की तो उधर से एक रैट की जो बच्चे होते हैं ना, मतलब चूहा के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े चूहा के जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब माउस की बात, रैट की बात नहीं कर रही हूँ, जो माउस होती है ना, मतलब बड़े बड़े साइज़ के जो चूहा होती है ना, उसी का बच्चा, मतलब आम के पेड़ से किसी भी हालत में वो रूम में घुस गई है या फिर कहाँ से घुसी है मुझे नहीं पता। फिर जो है वो ही देख के वो इतना डर रहे थे, इतना डर रहे थे। फिर बहुत, मतलब छानबीन करने के बाद, पूरा बेड के नीचे साफ सफाई करने के बाद, वो चूहा को बहुत कोशिश करने के बाद मेरे हस्बैंड ने निकाले और बालकनी से वो बाहर चले गए। और फाइनली जो है वो बाहर जाने के बाद फिर आधा एक घंटा, फिर जब मेरी बनी रूम पे अच्छे से रहे, उसको भी शायद स्मेल आती है क्या आती है वो पता नहीं, वो रैट देखने के लिए वो डर रही थी। वो देखिए वो कितना पास आ गई है, देखिए वो देखिए। अरे बनी बनी सिम्बा के साथ भी वो दोस्ती कर रही है, देखिए। तो यही है बात, मतलब मेरी
बनी जो है वो रैट के बच्चे को देख के, चूहा के बच्चे को देख के वो ऐसे कर रहे थे, और रूम पे फर्स्ट टाइम ऐसे चूहा देख के ना बनी को लगा ये क्या है, वो भी डर रहे थे अंदर ही अंदर, क्योंकि बनी ना बहुत ही शांत मिजाज की, एकदम शांत मेरी बच्चा है, वो देखिए ये मेरे माथे पे आके ऐसे। तो जो भी हो गाइस, अभी मैं बिल्कुल मतलब टेंशन फ्री हो कि बिहेवियर चेंजेस क्यों हो रहे थे। खाना पीना तो फिर भी सही थे, हेल्थ भी इशू नहीं थे, ना कोई मोशन, ना कोई पेट में दर्द, पेट भी बिल्कुल मैं हाथ लगा के देख रही थी, हार्ट तो नहीं है, गैस की प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ नॉर्मल थे। उसके बाद भी जो वो चूहा की वजह से इतना परेशानी हुई मैं, मतलब मेरी ना ब्लड प्रेशर शायद बहुत बढ़ गई होगी, मतलब अंडर से मतलब इतना मैं टेंशन में आ गई थी। और उसके बाद आप लोगों की भी मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, आप लोगों का जो भी मतलब एक्सपीरियंस है, किसी ने कहा कि मेरी रैबिट जब मतलब ऊपर वाले के मतलब ऊपर चले गए, उससे पहले ऐसे ऐसे बिहेवियर कर रहे थे, तो वो सब सुनने के बाद कोई बोल रहे थे हीट पे है इस वजह से, बहुत मिक्स कुछ, बट मुझे ऐसा लग रही थी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर रूम पे जाने के बाद, छानबीन करने के बाद, फाइनली मेरी बनी की बिहेवियर चेंज की राज मुझको पता चली, और सिम्बा देखिए घूम रही है उधर पे, और बनी अभी मैं नीचे ही रखी हुई हूँ क्योंकि वेदर सही नहीं है, और इसको भी मैं नीचे लेके दूसरे रूम पे चली जाऊँगी। तो चलिए गाइस, अभी मैं चलती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बालकनी में भी रुई मतलब खुले हुए हैं, चेरी भी खुले हुए हैं, तो सबको अभी अच्छे से रखना है क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। तो ये अपडेट मुझे शेयर करनी थी। और हाँ गाइज, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोज़ देख रहे हो, तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, अगर आप लोग चाहते हो तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करना देन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर बनी कि ये हेल्थ अपडेट जाने के बाद आप लोगों को भी मतलब एक शांति सुकून मिली हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई नो आप लोग भी बहुत डर रहे थे मेरी तरह, क्योंकि आप लोग भी बहुत प्यार करते हो, भर भर के कमेंट्स आ रहे थे कि अपडेट दीजिए बनी कैसी है, अभी बनी कैसी है, तो मुझे लगा वीडियो क्यों ना शेयर कर दूँ। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।